दोस्तों, अगर आपको भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया एक रोंगटे खड़े कर देने वाला कांटे का पहला वनडे मैच पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इस श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक वनडे मैच में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका की टीम के दो धाकड़ सलामी बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स और रियान रिगेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। इस मैच के अंदर इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर साउथ अफ्रीका की टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इस बीच इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरने के साथ छक्के और चौकों की बारिश करना शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता पहले ओवर में खोलने के साथ सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई दिए। इस बीच रिजा हेंड्रिक्स ने दूसरे ओवर में हर्षदीप सिंह के सामने स्टेट ड्राइव के जरिए चौका लगाते हुए अपनी पहली बाउंड्री हासिल कर ली, जो इस मैच की पहली बाउंड्री थी। हालांकि दोनों बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाज विकेट निकालने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच जैसे ही गेंदबाजी में बदलाव करते हुए तीसरे गेंदबाज हार्दिक पांड्या को 10वें ओवर में बुलाया गया तो उन्होंने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करने के साथ में 57 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रिकेल्टन को LBW आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहाँ पर रिकेल्टन ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन का योगदान दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान एडन मार्करम टीम को संभालने आए। इस दौरान उन्होंने हेंड्रिक्स के साथ मिलकर टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। इस दौरान पावर प्ले के अंदर 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका की टीम ने बना दिए। हालांकि पावर प्ले के समाप्त हो जाने के बाद रिजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिली और दोनों ने आखिरकार टीम को संभाल लिया। इस दौरान रिजा हेंड्रिक्स ने 16वें ओवर के अंदर अर्शदीप के सामने 1 रन लेने के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अक्षर पटेल के सामने ही 20वें ओवर में वो LBW हो गए, जहां पर रिजा हेंड्रिक्स ने 60 गेंद पर 52 रन 5 चौके की मदद से बना दिए। हालांकि अब बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक लासेन मैदान पर आए, जिन्होंने एडन मार्करम के साथ मिलकर इस टीम को संभाल लिया। इस बीच कप्तान एडन मार्करम ने अब गेंदबाजी करने के लिए आए 25वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को अपना निशाना बना लिया और अब उन पर कहर बरपा दिया, जहां पर वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगा दिए और इसके बाद अब अगले ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने 55 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, इन दोनों बल्लेबाजों ने इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया, जहां पर 29वें ओवर में अब आवेश खान के सामने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के की मदद से हेनरिक लासेन ने अपना अर्धशतक मात्र 51 गेंद के अंदर पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच वो इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी को रवि बिश्नोई ने तोड़ दिया, जहां पर रवि बिश्नोई ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 110 रन की साझेदारी को अब 34वें ओवर में तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने हेनरिक लासेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस बीच हेनरिक लासेन ने 60 गेंद पर 59 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगा दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आए। इस दौरान कप्तान एडन मार्करम ने डेविड मिलर के साथ मिलकर टीम को आगे ले जाने लगे, लेकिन हालांकि दोनों बल्लेबाज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी अब तक अंत तक नाबाद रहने वाले हैं। लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए 44वें ओवर में हर्षदीप सिंह आए, उन्होंने डेविड मिलर को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच डेविड मिलर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए। तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान एडन मार्करम बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर में हार्दिक पांड्या के सामने छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच शतक लगाने के तुरंत बाद 47वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर उन्होंने एडन मार्करम को LBW आउट कर दिया, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने मार्को जॉनसन आए। इस दौरान एडन मार्करम ने 108 गेंद पर 103 रन का योगदान दिया, जहां पर उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए। तो वहीं ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को जॉनसन ने मिलकर अंत तक बेहतरीन पारी बल्लेबाजी की, लेकिन इस बीच पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने ट्रिस्टन स्टब्स को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच ट्रिस्टन स्टब्स 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 32 रन बना पाए तो अंत तक नाबाद रहते हुए जॉनसन 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन का योगदान दिया, जिसके चलते अब साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर के अंदर 341 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ऐसे में 342 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी आई थी, जिनके कंधों पर टीम की मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया, जहां पर संजू सैमसन अभिषेक शर्मा दोनों ने पहले ओवर में 1 रन लेने के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं संजू सैमसन ने अब दूसरे ओवर में मार्को जॉनसन के सामने छक्का लगाते हुए अपनी पहली
बाउंड्री हासिल कर ली और बता दिया कि वो इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए आए मार्को जॉनसन ने 7 ओवर में 47 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को 8वें ओवर में LBW आउट कर दिया। इस बीच अभिषेक शर्मा 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बना पाए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से संजू सैमसन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते पावर प्ले में भारतीय टीम ने 59 रन बनाए। लेकिन इसी बीच स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर उन्होंने विकेट कीपर के हाथों तिलक वर्मा को कैच आउट कराया, जहां पर तिलक वर्मा ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन का योगदान दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, जिन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस बीच दोनों बल्लेबाज काफी तेजी से बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन यहां पर संजू सैमसन ने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर में केशव महाराज के सामने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक 71 गेंद पर पूरा कर लिया, और उसके बाद भी काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, जहां पर संजू सैमसन ने अब तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। इस बीच अब संजू सैमसन के विकराल रूप के सामने अब गेंदबाज सिमलाने आ चुके थे। इस दौरान इस गेंदबाज के खिलाफ 22वें ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के और 1 चौका लगाते हुए इस ओवर में 23 रन बटोर लिया, और इसी तरीके से काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 26वें ओवर की इसी गेंदबाज के खिलाफ छक्का लगाने के साथ अपना शतक 92 गेंद पर पूरा कर लिया, और शतक लगाने के कुछ ही समय के बाद अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर संजू सैमसन ने 28वें ओवर में केशव महाराज के सामने कॉटन बोल्ट होकर अपना विकेट दे दिया। इस बीच संजू सैमसन 100 गेंद पर 106 रन बना पाए। इस बीच उन्होंने 12 चौके और 5 छक्के लगाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव अब अपने असली रूप में आ चुके थे, जहां पर उन्होंने 30वें ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में अब अपना शतक भी लगातार 2 छक्के लगाने के साथ पूरा किया। लेकिन इस बीच अब गेंदबाजी करने के लिए 43वें ओवर में आए गेराल्ड क्वेजा ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को बाउंड्री पर मौजूद डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कराया। सूर्य कुमार यादव 100 गेंद पर 12 चौके और 6 छक्के की मदद से 105 रन बना पाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए, तो दूसरी तरफ से रिंकू सिंह को भी इसी ओवर में अर्धशतक लगाने से ठीक पहले 38 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए। ऐसे में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए 4 ओवर के अंदर 45 रन की जरूरत थी। ऐसे में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के जरिए भारतीय टीम को मजबूत तरीके से जीत दिलाने की महत्वपूर्ण कार्य कर दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने 47वें ओवर में 3 चौके लगाए, तो वहीं अक्षर पटेल ने 48 ओवर में लगातार 2 चौके लगा दिया। ऐसे में अब मैच रोमांचक हो गया, क्योंकि अब 2 ओवर में जीत के लिए 22 रन की जरूरत थी। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण 49वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जॉनसन ने हार्दिक पांड्या से छक्का खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया, और इस ओवर में अंदर मात्र 8 रन दिए, जिसके बाद अब अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रन की जरूरत थी। इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए गेराल्ड क्वेजा आए, जिनके सामने अक्षर पटेल मौजूद थे, और उन्होंने पहली गेंद पर 2 चौके लगाते हुए अपने ऊपर से दबाव हटा दिया और अगली 2 गेंद पर भागकर 2 रन ले लिए, और जब अंतिम 2 गेंद पर 4 रन की जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल ने सामने की तरफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस बीच अक्षर पटेल ने 20 गेंद पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 40 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम को इस मैच के अंदर 4 विकेट के 1 गेंद से पहले जीत दर्ज कर ली, जिसे देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और KL राहुल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ने तो सभी को प्रभावित कर दिया था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने ऐसी वापसी की जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस दौरान KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा जबरदस्त बल्लेबाजी करने के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। यहां पर दोनों के शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिए हैं। तो आखिरकार KL राहुल और यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी के बाद किसने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और KL राहुल में से कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला दिन पर्थ के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन 50 ओवर के अंदर बना दिए, और इसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे दिन पहले सत्र के अंत तक 52 ओवर में 104 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम को 46 रन की लीड मिल गई। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट झटके, तो वहीं हर्षित राणा को 3 और मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। तो वहीं दूसरी पारी में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो यशस्वी जायसवाल के साथ KL राहुल की सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिला दी। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के साथ भारतीय टीम के बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के बाद दुनिया
भर के तमाम दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें शोएब अख्तर ने अब बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों की जबरदस्त गेंदबाजी के बाद भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाजों की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है। भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जिस प्रकार से जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन सभी को प्रभावित किया है, वो वास्तव में ही काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए इस मैच के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है, हालांकि उसी के घर में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन दोनों ने सिर्फ सामना ही नहीं किया बल्कि दोनों ने इन गेंदबाजों को उनकी नानी भी याद दिला दी है। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की है। दोनों सलामी बल्लेबाज का बेहतरीन प्रदर्शन करना इस बात का संकेत है कि भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ उसके घर में सबसे खतरनाक प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पहली पारी के अंदर भारतीय टीम की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन अब दूसरी पारी में दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है कि ये मैच तो भारतीय टीम ही अपने नाम करने वाली है। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी की तारीफ होना अनिवार्य है। तो वही रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया है। भारतीय टीम की तरफ से पहले तो कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपनी कप्तानी के साथ शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को आगे से लीड किया और इसके बाद में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज दिखाई दिए, जहां पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से जिस प्रकार से दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, वो बता रहा है कि भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों के पास में किस तरह की ताकत मौजूद है जो किसी भी टीम के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दूसरे दिन भी कर दिखाया। आज के दिन एक बार फिर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। मुझे फिलहाल में काफी खुशी हो रही है कि एक भारतीय गेंदबाज दिग्गज ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने प्रदर्शन के जरिए परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की टीम की नाक में दम कर दिया। इतना ही नहीं, अब तो भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया, जो साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय टीम पूरी तरीके के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए मैदान पर आई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के दम पर भारतीय टीम को इस मैच में जीत मिल सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले मिशेल स्टार्क ने हर्षित राणा को उकसाया, वहीं पलटवार करते हुए हर्षित राणा ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत उनका दीवाना बन गया। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले मैच में हर्षित राणा और मिशेल स्टार्क के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। इस दौरान मिशेल स्टार्क ने हर्षित राणा को उकसाया तो वहीं हर्षित राणा ने पलटवार करते हुए एक ऐसा जवाब दिया है जिसको देखने के बाद सिर्फ भारतीय टीम ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी उनकी दीवानी हो गई है। तो आखिरकार क्या कुछ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुआ, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में हर्षित राणा ने किस तरीके से जवाब दिया, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह में से कौन है सबसे खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वैसे टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसमें दोनों टीमों के बीच में से खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तरफ से सिर्फ गेंद और बल्ले से ही बेहतर संघर्ष देखने को नहीं मिल रहा बल्कि दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग भी बेहतर तरीके से अब देखने को मिल रही है। जहां पर कल के दिन मोहम्मद सिराज और मनोज लबुचने के बीच जिस तरह से तीखी बहस देखने को मिली थी, उसी तरीके से आज हर्षित राणा और मिशेल स्टार्क के बीच तीखी बहस देखने को मिल गई है। दरअसल हुआ यूं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 150 रन ऑल आउट होकर बना दिए और इसका पीछा कर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले दिन 27 ओवर में 67 रन 7 विकेट खोकर बनाए और दूसरे दिन पहले सत्र में 104 रन पर ऑल आउट हो गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के 8 विकेट गिरे गए थे तो गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। इस दौरान बल्लेबाजी पर मिशेल स्टार्क मौजूद थे, जहां पर 30 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा मिशेल स्टार्क के सामने आए तो इस कंगारू गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने जुबानी हमला करना शुरू कर दिया, जहां पर मिशेल स्टार्क के सामने हर्षित राणा ने बाउंसर गेंद डाली जिस पर मिशेल स्टार्क ने कहा कि मैं तुमसे तेजी से गेंद फेंक सकता हूं और मैं इस बात को याद रखूंगा। जिसके बाद अब हर्षित राणा और भी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। हालांकि मिशेल स्टार्क को जब तो हर्षित राणा जवाब नहीं दे पाए, लेकिन लंच से पहले जब अंतिम ओवर फेंका गया तो 52 ओवर में हर्षित राणा ने मिशेल स्टार्क को विकेटकीपर के हाथों 112 गेंद पर 26 रन बना लेने के बाद कैच आउट कराया और उस जुबानी हमले का बदला विकेट लेकर पूरा किया, जिसके बाद हर्षित राणा के इस तरीके से बदला लेने के अंदाज को हर कोई क्रिकेट प्रेमी पसंद कर रहा है। तो दोस्तों, इस मैच में हर्षित राणा और मिशेल स्टार्क के बीच हुए इस मोमेंट को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, तो जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना ने दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ,
दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना का बयान अब सामने आया है। इस दौरान संजना ने जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को देखते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को देखते हुए उनकी पत्नी संजना गणेशन ने क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से कौन है भारत का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। इस दौरान भारतीय टीम ने 50 ओवर के अंदर 150 रन ऑल आउट होकर बना दिए, जिसका पीछा करने के लिए आई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले दिन के समापन तक 27 ओवर में मात्र 67 रन पर 7 विकेट दे दिए। तो वहीं दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेकर 11वीं बार 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा कर दिया। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की तारीफ हर कोई कर रहा है, जिसके बाद अब खुद उनकी पत्नी संजना का दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन तो मेरे पति जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी, साथ में दूसरे दिन भी मेरे पति जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर दी है। उन्होंने आज एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करने के साथ सभी को बता दिया कि वो सिर्फ एक बेहतरीन गेंदबाज नहीं है बल्कि एक बेहतर लीडर भी हैं, क्योंकि लीडर हमेशा सबसे आगे से अपनी टीम को संभालता है। और भारतीय टीम के लिए फिलहाल की स्थिति में जिस प्रकार से रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन कप्तानी करने के साथ अपनी टीम को संभाला है, साथ में गेंदबाजी विभाग से बेहतरीन गेंदबाजी करवाई है, वो बताता है कि भारतीय टीम कितनी खतरनाक टीम है और वो भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से कप्तान जसप्रीत बुमराह की तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसके चलते भारतीय टीम को किसी भी टीम के खिलाफ जीत मिल सकती है, लेकिन भारतीय टीम का मनोबल इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब था, क्योंकि भारतीय टीम ने हाल ही में अपने घर पर न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ इतिहास में पहली बार क्लीन स्वीप का सामना किया था। ऐसे में पहली बार अपनी टीम को बेहतर तरीके से आगे ले जाने का कार्य भारतीय टीम को करना था और भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा कप्तान भी पहले मैच में नहीं थे, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह ने टीम को संभाला और बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए टीम को मजबूती दिलाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा